हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको सिखाऊंगा। ये प्लेट वाली पैंट है, इसका कटिंग तो मेजरमेंट समझ लेते हैं। पहले लंबाई 35.5 है, कमर 33 है, हिप 40 है, थाई 26 है, मोहरी 15 है, सीट इसका 26 है। तो इसी नाप से आपको आज कटिंग करके दिखाऊंगा। तो हमने ये कपड़ा फोल्ड कर रखा है उल्टे साइड में, ये हमारा सीधा है। यहां से इसे शेप दे देंगे 1 इंच डाउन करके, और यहाँ पे सीधा एक निशान लगा देंगे और 1 इंच ऊपर रख के लंबाई का निशान लगा देंगे। लंबाई हमारा 35.5 है, 35.5 पे निशान लगा देंगे। और मोड़ने के लिए अंदर से 2.5-3 इंच पे एक निशान लगा देंगे। सीट हमारा 26 है तो 9.5 पे लगाएंगे। निशान को सीधा कर लेंगे। निशान हमारा सीधा हो गया है तो यहां से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के 33 हमारा कमर है तो 4 भाग करेंगे तो 8.25 आएगा हमारा। तो 8.25 पे निशान लगा देंगे और यहां से 2.5 इंच प्लेट के लिए रखेंगे। इसमें हमारा मार्जिन भी होगा, ये 2.5 इंच हमारा यहाँ पे रहेगा। थाई हमारा 26 है तो 13 इंच पे आप निशान लगा देंगे। मोरी 15 है हमारा, यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा देंगे। इधर से 3 इंच छोड़ के सेफ स्केल रख के ऐसे निशान लगा देंगे। आपको ज्यादा मार्किंग लगा के नहीं बता रहे, एकदम सिंपल तरीके में बता रहे हैं आपको। यहां से शेप दे देंगे और यहां से 1.5 इंच फ्लाई के लिए निशान लगा के इसको निशान को यहां से सीधा कर लेंगे। ऐसे यहां से राउंड शेप दे देंगे, यहां से 1.5 इंच इतना छोड़ के राउंड शेप कर देंगे यहां से। और पॉकेट का मुंह हमारा यहाँ से 2 इंच ऊपर छोड़ के ये 6 इंच का हमारा पॉकेट का मुंह हो जाएगा। कमर हमारा 33 है, थाई 26 है, मोरी 15 है। ये हमारा निशान लग गया है दोस्तों, उसको कटिंग कर लेते हैं। पहले ये हमारा फ्रंट कट गया है और ये किनारी जो बचा हुआ है यहाँ से ये काट के जाति के लिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इसी कपड़ा को इसे अपनी तरफ घिस लेंगे आगे तरफ। ये बेक पल्ला काटेंगे यहाँ से, हम ऐसे घुमा लेंगे फ्रंट को नीचे की तरफ। इधर से बराबर कर लिए हमने, यहां से इस निशान को सीधा कर देंगे।
यहाँ से ये 2 इंची ऊपर हम बैक उठा दिए हैं। यहाँ से 2.5 इंची पे निशान लगा देंगे, यहाँ पे 1.5 इंची पे सिप स्केल से का सिप देके ऐसे निशान लगा लिया हमने। ये हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा, कभी टाइट होता है तो बढ़ाने के लिए। यहाँ से हमने ये निशान लगा देंगे, यहाँ से 1.5 इंच हमने स्टार्ट रखा है। यहाँ पे एक बार कमर का भी मेजरमेंट समझ लेते हैं। ये 33 इंच हमारा 4 भाग हो गया 33 का, और 1 इंच फ्लेट के लिए हो गया। यहाँ पे हमने 3 इंच स्टार्ट दिए हैं। अब यहाँ पे हमारा जो प्लेट ये बनेगा, ये 32 के हिसाब से हमारा फ्रेंड बनेगा। 1/2 इंच मार्जिन हमारा इसमें स्टार्ट है, हम 2.5 इंच देते हैं बैग में स्टार्ट मार्जिन, लेकिन इसमें 3 इंच दिए हैं इसलिए कि 1/2 इंच हमारा फ्रेंड कम बनेगा। ये 32 के हिसाब से जब प्लेट टूटेगी यहाँ से तो 32 के हिसाब से फ्रेंड बनेगा। 1/2 इंच बैग में मार्जिन देते हैं हम यहाँ पे, यहाँ से ऐसे राउंड शेप दे देंगे। एक बार अपना जांग का भी ये थाई का भी मेजरमेंट समझ लेते हैं। 1/2 इंच यहाँ से मार्जिन छोड़ के यहाँ से 1 से 1.25 इंच जितना नीचे में हम नापेंगे। यहाँ से हमारा 1.25 आ रहा है, 1.25 यहाँ पर रखेंगे ऐसे करके एग्जेक्ट हमारा ये 26 इंच थाई हो जाएगा। सीट हमारा है 26 इंच भी। यहाँ से 1 इंच ऊपर रख के यहाँ से घुमा के ऐसे सीट नाप लेंगे। ये हमारा 11.5 इंच आ रहा है। यहाँ से फिर ये 11.5 पर रख के ऐसे इसको से घुमा के ये हमारा 26 इंच आ रहा है। तो 2 लाइन का कोई मायने नहीं रखता है, आपको एग्जेक्ट 26 चाहिए तो 2 सूत यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं इसको। ये थाई में प्लेट वाला पॉइंट में 1/2 इंची का कोई मायने नहीं होता है दोस्तों। तो ये हमारा बैग का निशान लग गया है, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से खुर्चा लगा देंगे, यहाँ से हमारा ये बढ़ती स्टार्ट मार्जिन यहाँ से हो जाएगा। और एक बार हिप का भी समझ लेते हैं। हिप हमारा 40 इंच है, तो यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के ये 10.5 इंच आ रहा है हमारा। 10.5 पे रखेंगे ऐसे, और यहाँ से हमारा ये सिला जाएगा, ये 21.5 इंच आ रहा है दोस्तों। तो ये हमारा आ जाएगा 43.5 इंच हिप हो जाएगा। तो प्लेट वाला पैंट में ये प्लेट जो हमारा रहता है ना, तो ये हिप का बड़ा ही हो जाता है। ऐसे नापने के लिए हम लोग 40-42 नाप लेते हैं, लेकिन जब प्लेट दबता है तो 2-3 इंच बढ़ ही जाता है ये प्लेट के लेकर। तो ये हिप का ये पैंट का जो क्या है मेन, आपको कमर और ये जो थाई है हमारा इसका शेप मिला देंगे तो हिप ऑटोमेटिक आपका मिल जाएगा, चाहे किसी भी पैंट का हो। हिप हम ऐसे भी पैंट का हम नहीं नापते हैं, ये कमर और थाई और मोहरी ये 3 चीज आप मेन मिला देंगे तो हिप अपने आप ही मिल जाता है वो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कटिंग हो गया है। और यहाँ से 4.5 इंची ये हमारा टिकिंग लगेगा ऊपर से 3 इंची पे। यहाँ से कुटका लगा देंगे, यहाँ से 2.5 इंची इधर 2.5 इंची इधर करके 5 इंची का हमारा
पॉकेट का मुंह बन जाएगा ऊपर से 3.5 इंची, यहां से 3.5 इंची। यहाँ हमारा बैक पॉकेट बन जाएगा दोस्तों। जो इसका जो प्लेट जो हम लोग जब तोड़ेंगे तो इसको एक पल्ला में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर रख के यहाँ से ये हमारा इधर टूट जाएगा, तो इसको ऐसे बराबर कर लेंगे, यहाँ पे आयरन कर लेंगे। ये जो हमारा जो मेन ये क्रीज जो होगा यहाँ पे, तो इस क्रीज पे लगा लेंगे, तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके आप इसको ऐसे प्लेट तोड़ लेंगे। यहाँ से 8 इंची का रख के 32 के हिसाब से कमर आप तोड़ लेंगे। यहाँ पे ये गैप हमारा 1.5 इंची का 1.5 इंची का आप अपने हिसाब से कम बेस कर सकते हैं प्लेट के लिए। तो हमारा बैक फ्रंट कट गया है, बेल्ट के निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई चीज अगर समझ में ना आया आपको तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।